हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करने वाले हैं एक कॉम्बो पैक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। अब मैं इस गाड़ी को एक कॉम्बो पैक क्यों कह रहा हूँ वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप भी अपना पैसा सही जगह लगाना चाहते हैं जहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें मिले और पूरी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपको मिले, तो ब्रेजा भी उस मामले में आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। मारुति ब्रेजा का सबसे वैल्यू फॉर मनी और लग्जरी जो वेरियंट है वो आपके सामने है, यानी कि ब्रेजा ZXi CNG में ये वेरियंट है। अगर पेट्रोल में भी आप लेते हैं तो सेम फीचर्स आपको मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो डुअल LED DRLs आपको फ्रंट में मिल रहे हैं, डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लुक यहां पे देती है। ग्रे स्टोन के साथ में मेन ग्रिल मिलती है, क्रोम फिनिश का भी यूज़ किया गया है, सिल्वर स्किड प्लेट आपको मिल रही है। लेकिन गाड़ी में जो फोग लैंप्स हैं वो आपको इस वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं। ओवरऑल जो एग्रेसिव और अट्रैक्टिव फ्रंट लुक है वो मारुति ब्रेजा में आपको मिल जाती है। और ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल आने के बाद भी बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को पसंद किया जा रहा है। साइड में अगर आएँ तो 16 इंची के ब्लैक पेंटेड जो एलोई व्हील्स हैं वो आपको गाड़ी में मिल रहे हैं। चौड़ी चौड़ी जो क्लेडिंग है वो गाड़ी के चारों तरफ आपको मिलती है, डोरसिल क्लेडिंग भी मिल जाती है। 200 mm की जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है। ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ ESP और हिल होल्ड का जो फीचर है वो भी गाड़ी में आपको मिल रहा है। बॉडी कलर में ही ORVMs आपको मिलते हैं, उसी के ऊपर LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। A, B और C तीनों ही पिलर्स ब्लैकआउट मिलते हैं। रूफ रेल्स आपको मिल जाती है और जो सनरूफ है वो भी गाड़ी में आपको मिल रही है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स दिए गए हैं। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है वो यहाँ से आप देख लीजिए। और वाकई में पीछे से देखने पे भाई गजब की लुक आती है। कई लोग तो इस गाड़ी की जो तुलना है वो रेंज रोवर की लुक से भी कर देते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है, नज़रिया है कि कौन किस गाड़ी को किस नज़रिए से देखता है। LED में ही जो टेल लाइट्स हैं वो आपको गाड़ी में मिल रही है और बढ़िया लुक टेल लाइट की आपको यहाँ पे मिल रही है। CNG वेरिएंट है तो स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। सिल्वर स्किड प्लेट, रियर पार्किंग सेंसर्स और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो पीछे आपको मिल जाते हैं। रिवर्स कैमरा भी इस वेरिएंट में आपको मिल रहा है। रियर वाइपर, रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर और जो शार्क फिन एंटीना है वो भी इस मॉडल में आपको मिल जाता है। यानी कि फीचर वाइज काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी आप ब्रेजा ZXi को कह सकते हैं। चाबी की बात करें तो लॉक और अनलॉक बटन के साथ में जो स्मार्ट की है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। रिक्वेसिंग सेंसर भी दोनों साइड के दरवाजों पे आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर देखें तो डुअल टोन के साथ में बढ़िया इंटीरियर आपको मिल रहा है, सिल्वर फिनिश का भी यूज़ किया गया है। चारों ही पावर विंडोज़ मिल जाती है, ड्राइवर विंडो वन टच अप वन टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में आपको मिलती है। ORVMs भी आपको पावर एडजस्टेबल मिलते हैं और एक बटन दबा के ORVMs को आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। क्रोम फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स और स्मार्ट लॉक सिस्टम आपको मिल जाता है। बोतल होल्डर और स्पीकर दोनों ही गाड़ी के दरवाजे पे आपको मिल जाते हैं। अंदर आएँ तो ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी गाड़ी में आपको मिल रहा है। फैब्रिक में ही डुअल टोन में जो सीट है वो आपको मिल रही है। चौड़ी चौड़ी और ग्रिपेबल जो सीट्स हैं वो आपको गाड़ी में मिलती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। डैशबोर्ड की अगर लुक देखें तो वो भी डुअल टोन के साथ में काफ़ी बढ़िया जो लुक है वो यहाँ पे मारुति ब्रेजा में देता है। ड्राइवर के राइट साइड में देखें तो पेट्रोल और CNG का जो कन्वर्टिंग बटन है वो दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल्स, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया गया है और डुअल टोन के साथ में ही जो AC वेंट्स हैं सिल्वर फिनिश के साथ में वो आपको मिल रहे हैं। और ये है गाड़ी का MID मीटर, सेमी डिजिटल MID मीटर मिलता है। स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टेम्परेचर और फ्यूल आप एनालॉग देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में डिजिटली आप देख सकते हैं। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, इंस्टेंटेनियस माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डू रजार वार्निंग जैसे जो फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो पावर है, टॉर्क है, ब्रेक है, SL है, CNG में कितनी देर गाड़ी चली है, कितने घंटे चली है, वो जो सारी डिटेल्स हैं वो सेंटर में डिजिटली आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग पे आएँ तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो क्रूज कंट्रोल्स हैं वो भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। ड्यूअल एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है। डी कट सेफ स्टेयरिंग आपको मिलता है। पूरी जो लुक है वो यहाँ से स्टेयरिंग की आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग को आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आएँ तो आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ में। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस यहाँ पे मिलते हैं। एयरकेमिस ऐप भी आपको मिलती है। OTA अपडेट्स,
और वॉइस असिस्टेंट जैसे जो फीचर्स हैं वो भी इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। MID मीटर की जो फ्यूल वगैरह की डिटेल है वो भी आप यहाँ पे इस म्यूजिक सिस्टम में देख सकते हैं। वैसे भी फ्लोटिंग टच स्क्रीन है और लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया जो म्यूजिक सिस्टम है वो ब्रेजा में लगता है। म्यूजिक सिस्टम के बिल्कुल नीचे एसी वेंट्स प्लेस किए गए हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। USB और 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये वेरिएंट है और ऑटोमेटिक का भी जो ऑप्शन है वो भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उसके पीछे बोतल होल्डर या छोटा मोटा सामान रखने की जो जगह है वो भी आपको मिल जाती है। नॉर्मल ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट आपको मिलता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट वगैरह आप आसानी से रख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दिया गया है। सनग्लास होल्डर मिल जाता है। कैबिन लाइट मिल रही है और जो सनरूफ है वो भी आपको गाड़ी में मिल जाती है। नॉर्मल साइज की जो सनरूफ है वो दी गई है। वन टच ओपन वन टच क्लोज फंक्शन के साथ में सनरूफ आपको गाड़ी में मिल जाती है और जैसे ही यहाँ पे सनरूफ खुल रही है सूर्य देवता के जो दर्शन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टिल्ट फंक्शन भी इस सनरूफ में आपको मिल जाता है तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं जरूरत पड़ने पे। यानी कि ये भी एक जबरदस्त फीचर आपको गाड़ी में मिल रहा है। वैनिटी मिरर केवल को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे मिलता है। फ्लिप कवर और लाइट के साथ में ड्राइवर वाले सनवाइजर पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं और ब्रेजा में जो हेडरूम है वो काफी बढ़िया मिलता है क्योंकि पीछे जो शेप है वो दी गई है। ये था गाड़ी का फ्रंट कैबिन और अब चल लेते हैं रियर में। तो रियर दरवाजे पे भी ड्यूअल टोन का इंटीरियर मिल रहा है। सिल्वर फिनिश का यूज दिया गया है। क्रोम फिनिश के डोर हैंडल्स, पावर विंडो का कंट्रोल, बोतल होल्डर और स्पीकर पीछे दरवाजे पे भी आपको मिल जाते हैं। और ये है मारुति ब्रेजा की रियर सिटिंग। पूरा स्पेस आपको मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। देखने में भी गाड़ी की जो लुक है इनसाइड से वो भी भाई जबरदस्त आती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं पीछे सीट पे। 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है और यहाँ से जो बूट का एक्सेस है वो भी आप कर सकते हैं। रियर पार्सल ट्रे आपको मिल रही है और CNG सिलेंडर आप यहाँ से देख सकते हैं। बैठ के देखें कि ब्रेजा में स्पेस कितना क्या मिलता है तो ब्रेजा में पूरा स्पेस है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है और मार्केट में इसलिए जबरदस्त बिकती है। लेगरूम और थाई स्पोर्ट दोनों ही बढ़िया आपको मिलते हैं और 3 लोग आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी हैं तो 2 लोग और 1 बच्चा पीछे बैठ सकता है। रियर AC वेंट भी आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट मिलता है और आज की डेट में हर आदमी की जरूरत हो गई है, चाहे वो माइक्रो SUV है, हैचबैक है या SUV है, सबको रियर AC वेंट्स नेसेसरी से लगने लगे हैं। तो ये चीज़ आपको ब्रेजा में मिल जाती है। रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बूट की अगर बात करें तो पावर बूट आपको मिल रहा है गाड़ी में। वैसे ही ब्रेजा में 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है लेकिन सिलेंडर लगने के बाद में जो स्पेस है वो कम ही आपको मिलता है। 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ में जो सिलेंडर है वो इस गाड़ी में मिलता है और पूरी तरह से कवर्ड जो सिलेंडर है वो यहाँ पे दिया गया है। सिलेंडर के नीचे भी थोड़ा सा स्पेस आपको मिलता है, पतली जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। और सिलेंडर के पीछे 9 से 10 इंच का जो स्पेस है वो गाड़ी में आपको मिल जाता है। और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का स्पेयर व्हील जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है, लेकिन साइज में बाकी के टायर्स के जितना ही आपको यहाँ पे मिलता है। इंजन की बात करें तो मारुति ब्रेजा CNG में 1462 CC, 87 BHP, 121 NM टॉर्क और 25.51 किलोमीटर पर KG की माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। और अपने इंजन के बदौलत ही ये गाड़ी मार्केट में इतना बिकती है, ये समझो कि राज करती है। इंजन की जो परफॉर्मेंस है, जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है और CNG में भी ये इंजन बहुत ही कारगर मार्केट में साबित हो रहा है, इसीलिए लोग इस गाड़ी पे इतना भरोसा करते हैं। अगर पेट्रोल में आप ये गाड़ी लेते हैं तो उसमें 102 BHP की पावर और 137 NM का जो टॉर्क है वो आपको मिलता है। और पेट्रोल में भी ब्रेजा के लिए 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो मारुति ब्रेजा का जो ZXi CNG वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कीमत है 11,99,000 और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ सकती है 13,90,000 रुपये की, यानी कि 14 लाख के नीचे नीचे ये वेरिएंट CNG में आप अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल में आप ZXi लेते हैं तो आपको 12,86,000 ऑन रोड में ये गाड़ी मिल जाएगी। अगर सेफ्टी की बात करें तो मारुति ब्रेजा का जो प्रीवियस वर्जन था उसको 4 स्टार की रेटिंग मिली थी। खैर इस गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन 4 स्टार की अगर रेटिंग भी माने तो वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ ब्रेजा के लिए साबित होती है। और इसीलिए मैंने इस गाड़ी को एक कॉम्बो पैक कहा था,
क्योंकि इस गाड़ी में आपको सेफ्टी भी मिल रही है, माइलेज मिल रही है, बढ़िया इंजन आपको मिल रहा है, पावर मिल रही है, स्पेस पूरा मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया मिल रही है, और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको सीएनजी में भी मिल सकती है अगर आपकी ज़रूरत हो तो। यानी कि अगर आपने पैसे खर्च करने हैं और सोच में पड़े हैं कि कहाँ लगाएं ना लगाएं, तो मारुति ब्रेजा भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, जो गाड़ी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको पसंद हो, सूट करती हो, वो गाड़ी आप ले सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।